everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we are continuing with our next lecture of NABARD Grade A exam series. In this lecture we will discuss about the population trend and economic development. We will also provide you the PDF of this lecture. Just to access the PDF you can join our Telegram channel, that is EduMusk1008. For any query you can mail us through our mail ID, that is EduMusk1008. Without any further delay, let's move to our topic. तो सबसे पहले इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड जो है उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पॉपुलेशन क्या होती है. पॉपुलेशन क्या होती है? किसी भी एक ग्रुप को, जो कि लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं किसी भी कंट्री का या किसी नेशन का, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको आप पॉपुलेशन का कहते हैं. ठीक है, कि एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का और जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे उनका कलर, उनका उनकी हाइट, उनका जो रहने का है, उनका स्टेपल फूड, जो भी चीज़ें हैं उनको अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करेंगे और वो सिमिलर हो, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि हम एकदम सेम हो लेकिन सिमिलरली कुछ कुछ पैटर्न फॉलो करते हों, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम पॉपुलेशन कह देते हैं. इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से वो कितना था, 1210.2 मिलियन, जो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, नेक्स्ट ओनली टू चाइना. मतलब चाइना के बाद इंडिया ही जो थी वो मोस्ट पॉपुलस थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. इंडिया जो है वो कितना लैंडमार्क जो है वो करता है, कवर करता है 2.4%, और ये है एरिया के बेसिस पे. और वैसे हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारा कितने 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर. इंडिया की जो ग्रोथ है वो रिमार्केबली, या फिर आप मान सकते हैं कि जितना हमने पास्ट ईयर्स में ग्रोथ को देखा था उससे कहीं बहुत हद तक जो है वो स्लो हुई है, लेकिन अभी भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चाइना से फास्टर है. ये एक चार्ट है हमारा जिसके अंदर हमारा जो 2011 का जो सेंसस था उसके बाद जो हमने पॉपुलेशन जो ट्रेंड देखा था वो इसके अंदर मेंशन किया गया कि चाइना की सबसे ज़्यादा है 19.4%, इंडिया की 17.5% थी, यूएसए की 4.5%. तो ये सारी कंट्रीज का इसमें मेंशन किया गया है. ठीक है, ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या फिर आप मान सकते हैं ये मेजरमेंट के लिए, कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से टर्म्स को यूज़ करते हैं. तो ग्रोथ रेट क्या है हमारा, कि जो नेट चेंज आता है एक पॉपुलेशन में, अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे दो टाइम पीरियड के बीच में देखें कि कितना हमारा पॉपुलेशन में चेंज आया है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं. उसके बाद नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, कि नेचुरल जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है उसके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उससे हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन निकल जाता है. माइग्रेटरी ग्रोथ क्या होती है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे पीपल माइग्रेट करते हैं, पॉपुलेशन माइग्रेट होती है, तो उससे अगर किसी की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है उसे माइग्रेटरी ग्रोथ कहते हैं. पॉजिटिव ग्रोथ से आप समझ गए होंगे कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से हायर होगा, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगी, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ है. नेगेटिव ग्रोथ है कि जिसमें बर्थ रेट जो है वो लोअर है डेथ रेट से, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट है. क्लियर, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया. तो पॉपुलेशन ट्रेंड्स किस हिसाब से फॉलो हुए हैं इंडिया में पास्ट जो हमारी सेंचुरी थी, हम 20th सेंचुरी से ही शुरू करेंगे पढ़ना कि किस हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था उसमें वेरिएशन आया. ठीक है, तो 1901 से हमारा जो डेमोग्राफिक डिवाइड था उसको हम वहाँ से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करते हैं कि भाई वो किस हिसाब से बढ़ा है, घटा है, कैसा हमारा ग्रोथ रेट रहा है. तो हमारे जो सेंसस हुए जैसे 1921, 1951, 1981 का, उससे हमें पता चला कि कैसे कैसे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें टर्निंग पॉइंट्स आए हैं. तो पॉपुलेशन ट्रेंड को पढ़ने के लिए हम 21, 51, 81 और उससे आगे का जो पॉपुलेशन ट्रेंड है उसको अभी स्टडी करेंगे अपनी आगे की स्लाइड में. तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है पीरियड ऑफ स्टेग्नेंट पॉपुलेशन इन 1901 टू 1921. मतलब 1901 से लेकर 1921 तक का जो पीरियड था उसको हम स्टेग्नेंट पॉपुलेशन की तरह कंसीडर करते हैं, कि उस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ थी ओवरऑल, ये जो 1901 से 21 तक 20 साल के अंदर जो हमारी ये ग्रोथ हुई थी उसको हम स्टेग्नेंट मानते हैं. अब क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हमने 19 सेंचुरी में हमारा जो सेंसस हमने शुरू किया था या चीज़ें शुरू करी थी, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करना शुरू करा था, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेगुलर लगा लीजिए या स्लो लगा लीजिए, हमने ग्रोथ जो थी पॉपुलेशन के अंदर उसको मेज़र किया था, विटनेस किया था. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी इस पीरियड में हम उसको स्टेग्नेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पीरियड ऐसा था जहाँ पे हमारा नेगेटिव ग्रोथ हुई, कुछ पीरियड ऐसा था जहाँ पे बहुत स्लो रही. तो उसकी वजह से हमने माना, जब हम ओवरऑल देखेंगे 20 साल के अंदर हमने जब चेक किया तो हमारा जो पॉपुलेशन था उसको हमने स्टेग्नेंट ही पाया, कि हमारा जो ग्रोथ था वो उतना, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि जिसमें हम उसको कह दें कि वो एक पैटर्न से ग्रो कर रहा है.
द हायर बर्थ रेट वॉज बैलेंस्ड बाय हायर डेथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर बर्थ रेट कहीं पे हाई भी था तो कुछ पीरियड के लिए डेथ रेट हाई होने की वजह से वो जो हमारा था वो बैलेंस आउट हो गया, और जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट रही, मतलब वहीं के वहीं रही, उससे बढ़ी नहीं। द सेंसस ऑफ 1921 रिकॉर्डेड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.31% विच हैपेंड ओनली वंस थ्रू आउट द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि 1921 का जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हमने मेजर किया था, जो कि कितना था -0.31%, जो कि बस एक ही बार हुआ है इंडिया की जितनी भी डेमोग्राफिक हिस्ट्री हुई है, जितना भी हमने पॉपुलेशन ट्रेंड देखा है उसमें पहली बार या अभी तक एक ही बार देखा गया है 1921 में जब नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ हो। क्लियर। और इसी रीजन से हम जो 1921 का जो ईयर था, जो जिस टाइम पर हमने सेंसस किया था, उसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, क्योंकि उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि 1921 के बाद हमारा जो है वो ग्रो ही हुई है हमारी पॉपुलेशन, इसलिए इसको यहाँ पे 1921 को हम क्या कह देते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइड कह देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पीरियड जो आता है वो आता है स्टेडी ग्रोथ का, कि जहाँ पे हमारी जो ग्रोथ थी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी, तो वो कौन सा पीरियड है, 1921 से लेके 1951 तक का। इस पीरियड में हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था वो 251 मिलियन से लेके 361 मिलियन तक इंक्रीज हुआ था, मतलब हमने जो ग्रोथ रजिस्टर की थी वो थी 47.3% की। इस पीरियड को हम मतलब कौन सा पीरियड कहते हैं, स्टडी ग्रोथ रेट पीरियड कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा है जो मोर्टेलिटी रेट था वो रिड्यूस हो गया था इंडिया में इस टाइम पे, क्योंकि 1921 के बाद हमने अपनी जो हेल्थ कंडीशन थी, जो सैनिटेशन कंडीशन थी, उन पे काम किया था, उनको इम्प्रूव किया था, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट था, जो डेथ रेट था, वो कम हुआ था। अगर डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ तो उससे क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली हमारी जो चीज़ें हैं, या फिर आप मान लीजिए हमारा जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिवली ही इंक्रीज करेगा। और हमें और कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव किया था 1921 के बाद, कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी, कि कहीं पे भी कहीं ड्रॉट है, कहीं पे फेमाइन है, तो वहाँ पे जो है हम कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था, जिससे कि बहुत अच्छे से हम फैसिलिटीज जो थे वो प्रोवाइड कर पाते थे, टाइमली प्रोवाइड कर पाते थे, जिससे कि जो डेथ रेट था वो कम हो गया, उसमें डिक्लाइन आया मोर्टेलिटी रेट में। उसके अलावा हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड था, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी इंड्यूस ग्रोथ पीरियड कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पीरियड जो था हमारा वो कौन सा था, रैपिड हाई ग्रोथ, मतलब इसमें हमने बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट देखा पॉपुलेशन के अंदर, हमारा जो ट्रेंड फॉलो किया गया वो बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से उसमें ग्रोथ देखी हमने। कौन सा पीरियड था वो, 1951 से लेके 81 तक का। 1951 के बाद बहुत ज़्यादा फॉल आया मॉर्टेलिटी रेट में, और जो फर्टेलिटी थी वो बहुत स्टबर्नली या बहुत ज़्यादा अच्छे से हाई करती रही, ग्रो करती रही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया और फर्टेलिटी रेट जो है वो रिमेन, मतलब वैसे ही उसी हिसाब से हमारा ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो क्या है पॉपुलेशन ट्रेंड जो है वो ग्रो करेगा, बहुत हाई पेस से ग्रो करेगा। तो इसी वजह से हमारे इस पीरियड में हमने बहुत हाई ग्रोथ को मेजर किया। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, जो हमें सर्विसेज पे जो हमें ध्यान देना चाहिए था, जो हेल्थ था, सैनिटेशन कंडीशंस थी, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस थी, जितनी भी चीज़ें जो सर्विसेज थी उनको हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया, बहुत अच्छे से उनको इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से हमारा क्या है ग्रोथ रेट जो थी पॉपुलेशन की वो बढ़ती गई। और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो था वो फर्टिलिटी जो थी वो ज़्यादा इंप्रूव हो रही थी, ग्रो कर रही थी, तो इस पीरियड को फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आया उसमें हमने ग्रोथ रेट तो मेजर करी, पॉपुलेशन के अंदर हमने ग्रोथ तो देखी कि वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि रेट जो था वो बहुत ही स्लो पेस से उसने ग्रो किया, मतलब जिस हिसाब से हमने पीछे के पीरियड में देखा था 1951 से 81 में जो देखा था, वो बहुत बहुत हाईली, बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा पेस से वो ग्रो कर रही थी हमारी पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे ग्रो तो कर रही थी, यहाँ पॉजिटिवली हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट था, लेकिन वो क्या है बहुत स्लो पेस से बढ़ रहा था। और ये कब हुआ था, ये कौन सा पीरियड था हमारा, 1981 से लेके 2011 तक का पीरियड था। इस टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट हाई था, लेकिन इसके जो पेस में, उसकी जो एक हम कह सकते हैं स्पीड में जो थी वो कमी आई थी 1981 के बाद। ये जो डिक्लाइन था वो किस वजह से हुआ हमारा, क्योंकि हमने लोगों को, या फिर आप लगा लीजिए जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू किया कि पॉपुलेशन को, कि ग्रोथ को किस तरीके से रोका जा सकता है, उन्होंने बर्थ कंट्रोल जो जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उस चीज़ के लिए, कि स्मॉलर फैमिलीज की तरफ लोग इंक्लाइन होने लगे, तो
तो इस ट्रेंड को फॉलो अप करवाया गया, जिससे कि जो बर्थ रेट है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो पेस से ही बढ़ाया गया, और हमारे जो ग्रोथ रेट था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, उसको थोड़ा स्लो डाउन किया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई हो, ऐसा नहीं है, ग्रोथ तब भी पॉजिटिव ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो बर्थ रेट था वो ग्रेटर था देन देट ऑफ डेथ रेट, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, उसकी स्पीड में, उसके पेस में कमी आई थी। उस ड्यूरेशन में अगर हम मेजरमेंट करें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी या ग्रोथ रेट था, वो तब भी हमारा बहुत सारी कंट्रीज के कंपेरिजन में ज़्यादा ही था। जैसे हम चाइना, यूएसए, ब्राज़ील से कंपेयर करें, तब भी उस कंपेरिजन में हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। चाइल्ड पॉपुलेशन जो है उसको हम कौन सी एज को कंसिडर कर रहे हैं, कितने एज ग्रुप को हम कंसिडर कर रहे हैं, 0 to 6 ईयर्स। और इसका जो है डेमोग्राफिक जो डिवीज़न है या डेमोग्राफिक जो सीन है हमारा, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा किस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो बच्चों की जो है, मतलब कितना किस पेस से हमारे जो ग्रो कर रही है चाइल्ड पॉपुलेशन, किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे जो एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स के थे, वो कितने हैं, 158.8 मिलियन थे, जिसमें कि हमारे जो मेजरली स्टेट जो इन्वॉल्व हैं, जो 52% ऑफ इंडियन चाइल्ड पॉपुलेशन को मतलब मार्क करते हैं, वो कौन से हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। मतलब 52% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन इन 5 स्टेट से आते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा आता है पैटर्न्स एरिया वाइज कैटेगराइजेशन इन इंडिया। मतलब हम एरिया वाइज किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो अप करते हैं, जिससे कि हम मेजर करते हैं कि कहाँ पे लो डेंसिटी है, कहाँ पे हाई डेंसिटी है, कहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी है, तो वो किस हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं, किस हिसाब से हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे एरियाज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो जो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो हमारे जो एरियाज आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद लो डेंसिटी किसमें होता है कि 101 से 250% पर स्क्वायर किलोमीटर जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, लो डेंसिटी कहते हैं। मॉडरेट डेंसिटी क्या है, 251 से 500 पीपल जो होंगे पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो हम मॉडरेट डेंसिटी कहते हैं उस एरिया के अंदर। हाई डेंसिटी एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ पे 501 से लेके 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर होंगे, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, तो उस एरिया को हम हाई डेंसिटी एरिया कहते हैं। वेरी हाई डेंसिटी एरिया क्या होता है कि अगर 1000 से ज़्यादा जो पीपल हैं, जो पर्सन हैं, वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आते हैं, तो उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, वेरी हाई डेंसिटी मतलब कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में हमारी आई थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से कहा जाता है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए, किस तरीके से कि हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को किस हिसाब से करना है, रिप्रोडक्शन जो है उसको किस हिसाब से हमें देखना है, और हमें हेल्थ जो है वो किस तरीके से करना है, चाइल्ड सर्वाइवल, मेटरनल हेल्थ या कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें हैं उनको किस हिसाब से हमें मार्केट में लाना है, तो उस चीज़ के जो गवर्नमेंट है या फिर बिजनेसेस हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो उन्होंने किस तरीके से कोलेबरेट किया, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर हमें बताई गई है। तो इसको आप इन डिटेल देख लेना, ये मैंने अभी जो आगे आने वाली स्लाइड है उसके अंदर हमने फीचर्स वगैरह और क्या क्या पॉपुलेशन पॉलिसीज में क्या अमेंडमेंट्स किए गए, क्या क्या चेंजेस लाए गए टाइम के साथ की, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हमने चेक किया और उसके हिसाब से हमें क्या क्या उस पर चेंजेस करने पड़े, क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए हम, तो ये पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस करे गए और कैसे कैसे गवर्नमेंट ने या फिर उनके साथ जो कोलेबरेटरी सेक्टर्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से कोलेबरेट किया, तो ये सारी चीज़ों को हमने पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर पढ़ना है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है हमारा फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कि इसमें किस हिसाब से हमारा की फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई या सर्विसेज जो है वो किस हिसाब से होंगी, स्कूलिंग को किस हिसाब से करना है कि 14 तक हमारी जो जो हमारी स्कूलिंग है उसको कंपलसरी और फ्री कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी टू लेस देन 30 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। तो हमारा क्या है, जो मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको किस हिसाब से मेजर किया जाएगा, मेटरनल डेथ जो है वो किस हिसाब से उसको लोअर किया गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे फीचर्स हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उस पर काम किया था पॉलिसी के ऊपर, ये भी हमारे कुछ फीचर्स हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड। आप हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव पेपर लिखेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प कर सकता है।
ये हमारा नेक्स्ट क्या आता है, एम ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, हम उसके एम क्या क्या थे, टेम्प्रेरी गोल क्या था, मिड टर्म गोल क्या था, कि जब जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी में उन्होंने चेंज किए होंगे और बहुत अमेंड किया होगा, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट चेंज हुआ था उस हिसाब से ही कैसे पॉपुलेशन पॉलिसी को चेंज किया गया और कैसे किस तरीके से उसके गोल बनाए गए वो है। पहले क्या है, टेम्प्रेरी गोल मैंशन है इसमें, कि हमने पहले क्या है हेल्थ केयर चीज़ों पे, या फिर जो मेटरनिटी जो चीज़ें थी, कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें थी, हेल्थ प्रोटेक्शन किस हिसाब से किया गया उसका फ्रेमवर्क तैयार किया। ठीक है, मिड टर्म गोल क्या था हमारा, कि 2010 तक आते आते हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट था उसको रिप्लेस करके, क्या रिप्लेस उसका जो लेवल था उसको रिप्लेस किया गया और उसको कहाँ तक लाया गया, 2.1 तक। लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारा, कि पॉपुलेशन को 2045 तक जो है उसको बैलेंस किया जाए, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है उसको कम किया जाए और जो पॉपुलेशन है उसे बैलेंस किया जाए 2045 तक, ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल है। तो ठीक है, तो ये एम है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अभी इसी में कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है हमारा, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपने पढ़ा होगा, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ से किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल या रिसोर्सेज को, या फिर आप मॉनेटरी जो चीज़ें हैं उससे रिलेट करके आप हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, कि किस हिसाब से हमें अपने जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके अंदर हमारा सिर्फ मॉनेटरी या फिर आप लगा लीजिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं आते, उसमें हम कल्चरल भी लेते हैं, उसमें हमारे मतलब पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हम जब इन्वॉल्व करेंगे तो उससे हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। क्लियर? मतलब सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जितने भी सारे चेंजेस हो रहे हैं उसको अगर हम एक मतलब एक कोलेबरेटली या फिर इकट्ठा करके उन चीज़ों को बोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम जो है और किस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, कि जैसे हमारे जो सप्लाई रिसोर्स सप्लाईज हैं, कैपिटल फॉर्मेशन रेट है, पॉपुलेशन का साइज है, टेक्नोलॉजी कैसी है, स्किल्स, एफिशिएंसी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम माने, तो ये सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर? अब आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फीचर्स क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो इनकम जो है हमारी, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कंट्री का जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि जैसे इंस्टीट्यूशनल लगा लीजिए, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें हमारी चीज़ों को किस चीज़ को हमें डेवलप करना पड़ेगा, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ को हमें डेवलप करना पड़ेगा। रिडक्शन इन इक्वेलिटी की, जो इनइक्वेलिटी है जो कंट्री के अंदर, उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, कि जितना हम जैसे जो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उसको जब तक हम बहुत हद तक इवनली नहीं करेंगे या फिर उस रेशो में नहीं लाएंगे, जिससे कि हमारा जो हर जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट हो सके, तब तक जो है हमारी जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? तो उस सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, मतलब क्वांटिटेटिव या मनी से रिलेटेड हटा दीजिए, क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स जो हैं उनसे हम चेक करते हैं कि किसी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा है। जैसे आप लगा लीजिए क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स क्या हो गए हमारे, SDI हो गया, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स हो गया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, कि हम देखेंगे किस हिसाब से वो किस कंट्री की किस हिसाब से जो पॉवर्टी रेशो है, किस हिसाब से वो वहाँ के जो लोग हैं वो किस किस तरीके की कंडीशंस को मतलब फॉलो अप कर रहे हैं, किस तरीके की सर्वाइव कर रहे हैं किस तरह की कंडीशंस में। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, और ये क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो दोनों चीज़ों से मिलके बना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चेंज होते हैं उनसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव तो वो हो गया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख रहे हैं हम, और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको हम चेकआउट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो क्वांटिटेटिव होगी, लेकिन क्वालिटेटिव की जो एक इंडिविजुअल है उसकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, कि वो किस तरीके से जी रहा है, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जेंडर जो रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं, जेंडर रिलेटेड जो भी बायासनेस है वो तो नहीं है, जो पॉवर्टी है वो किस हिसाब की है, लिटरेसी रेट कैसा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने में हेल्प करते हैं।
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी वो किसी कंट्री की जो लाइफ की जो क्वालिटी है जो उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, उसकी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है कि किस हिसाब से कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियो एंड आर चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।